अब पेश है गुड मॉर्निंग जे एंड के। वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब, इस्तकबाल जैन के। रात क्या खबर अस असि के पगहुक दोह क्यूथ आसे या यन वाजेन अखक गर किस आसे या अगर असि काल आराम त्रोव पगह गचवा अस वार कार बे हुशार न केह अस न अस खबर तिल क्या ओस अस निश वकत अख आश अख वमेज अख यकीन कि यह कैसा बुत सपद सपद सान बापत रुत इंशाल्लाह तो यह वमेज यह आश सन तन तमाम वन वल दोस्त आसन बखैर आफियत बसहतो सलामत खुश तो खुशहाल वनकन चाय चवान चवान पन पसंदीद मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जे एंड के वुछान तो कह दोस्त आसन वनकन अस कमेंट करान तुम कमेंट यम जन तुम अम पन आरा तजवीज वातना तुम करो इस प्रोग्रामस मज बुत शामिल कर पूर पूर कोशिश मगर अमे अलावा नाजन मोहतरम प्रोग्राम किस आगाजस मज तम जरूरी मालूमात वातना बिलखसूस मौसम तो ट्रैफिक के हवाले अलावा प्रोग्राम आगाज अक रिजि कत सरान सुबह सुबह सोन जहन बड़े ताजा आ सानी जहनस मज अचान तो पत सहल सहल नेरान के तो सहल सहल मशीद गान कैसा कत पू दोस आसान करान बाजे पई आसान अस कथस कस कत कर पत ब्याख शख्स यवान सुई याद पवान पावान कि यथस ऐसे फलन दो फलन शख्स यह कत वनम मगर अस पान याद कें वनान प्रत कुन सवालस चुन जवाब लफजन अंदर पूछिद आसान के बाजे खामोशी ते आख बोड बार जवाब आसान बकोले मौलाना रूमी अले रहमा यूत अख इंसान खामोशी इख्तियार करे तूत सु बोजनस काबिल गान तो अल्लाह तलास नजदीक सु अख इंसान वातान खामोशी अख इबादत यकीनन यो जन अकिस इंसानस अल्लाह तलास करीब करान तो अमुक मतलब चुन हरगिज ती कि अस क्या हर कुन मामलस मन छपई करें ना यथस शूबि तथस बोलन जरूर मगर कथ अगर जी करो तुम गूबदार आसन न प्रानो वोमुत छोपे छो रब सज खैर बह कर ज्याद कत कम जन मे सी मेजबान तिमन तकीन तह सत बावन अमे अला मौसम तो ट्रैफिक के हवाले जरूरी मालूम तह तम वातन इत कह तान कि अजक पे सपूद अक नव रेत आगाज फरवरी रेत आज गोडनिश तारीख तो बोमवार दो अजक प्रोग्रामस मे शर्फ मेजबानी अस हासिल बह रोज तुज मेजबान इकरा आखून तो मे सोजन इरम असलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं इरम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ।
आज गुड मॉर्निंग जे एंड के आज के इस शुमारे में। नाज़रीन, इस बात से हम बिल्कुल आगाह है कि हर सुबह आपको गर्म नून चाय की चुस्कियों के साथ इंतजार रहता है अपने पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जे एंड के का। इसलिए चाहे सर्दी हो, बर्फ हो, कोहरा हो या गर्मी हो, हम हर सुबह आ जाते हैं आपकी खिदमत में। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, कुछ इसी तरह अपने अज़्म को पूरा करते हुए आज यानी कि फरवरी की पहली तारीख यानी कि नए महीने की पहली तारीख को आज फिर से हम आपसे मुखातिब हैं। यकुम फरवरी यानी कि चिले खुरद में हम दाखिल हो चुके हैं और कश्मीर के मौसम सरमा के सख्त तरीन हिस्से यानी कि चिले कलान से किसी तरह लड़ झगड़ के हमने छुटकारा पा लिया है ना। बिल्कुल, इस कदर सख्त भी नहीं रहा ये चाहिए। बिल्कुल, वही मैं बोलने वाली हूँ कि पिछले साल के मुकाबले अल्लाह के करम से इस साल उतना सख्त नहीं रहा। बिल्कुल, चिले कलान जी है ना। आपको मुझे याद है कि पिछले साल तो आधा चिले कलान पाइप्स और वाटर टैंकीज को डीफ्रीज करने में ही गुजर गया। नहीं, पानी होते हुए भी पानी की किल्लत रहती। बिल्कुल, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि इस साल ऐसा सख्त तरीन नहीं रहा। और देखा जाए तो इस साल दर्ज हरारत भी उतना मनफी में नहीं गया और बर्फबारी भी उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी की होती है जनवरी, बिलखसूस मैदानी इलाकों में। बिलखसूस मैदानी इलाकों में, बिल्कुल। लेकिन ठंड तो ठंड ही है, अपनी हिस्से की परेशानियां देखी जाती है। बिल्कुल, खैर इंग्लिश में कहते हैं ना कि व्हेन विंटर इज हियर कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और या किस क्वेश्चन को बना बहार। चलिए ताजरीन, इसी उम्मीद के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं मौसम और ट्रैफिक की ताजा तरीन अपडेट्स। महकमा मौसमियात की हासिल हुई इतला से हमें ये पता चलता है कि आज मौसम अबर आलूद रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 8 डिग्री सेल्सियस जाने के इम्कान है। वहीं कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 0 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जम्मू में कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस और आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस जाने के इम्कान है। वहीं शहराओं की अगर बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पे आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को उधमपुर से श्रीनगर आने की इजाजत है। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि हम आपको रोज ये याद दिलाते हैं कि ये प्लान जो है मौसम और सड़क के ही हाल पे दारोमदार है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सफर पे जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से एक बार आप जरूर कायम करें, उनके नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस ताल्लुक से हमारे नाज़रीन तक मालूमात पहुंचाने के लिए। नाज़रीन को बड़ा इंतजार रहता है मौसम और ट्रैफिक के हवाले से जो प्रोग्राम का एक जुज है, उस ताल्लुक से मालूमात हम आप तक प्रोग्राम के आगाज में ही पहुंचाते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, अब आपको यकीनन इंतजार होगा कि आज चूंकि हर दिन एक खूबसूरत सा नगमा हम आप तक पहुंचाते हैं, उस नगमे का अहतमाम होता है, लेकिन आज आपको ये बताते चले कि आज नगमे का अहतमाम हमने नहीं रखा है, आज एक मखसूस रिपोर्ट का अहतमाम रखा है, वो एक खसूसी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, आप सब बाखबर हैं, आप सब जानते हैं कि जो DDK श्रीनगर है, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर है, ये एक रीजनल टेलीविजन नेटवर्क है। इसके जरिए से आप तक मुख्तलिफ प्रोग्राम पहुंचते हैं, अलग अलग प्रोग्राम यहां से नशर होते हैं और हम भी आप तक पहुंचते हैं, हम भी आपसे मुखातिब होते हैं, ये हमारे लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम जो प्रेजेंटर है हो या होस्ट हो या एंकर हो, जो आप तक प्रोग्राम पहुंचाते हैं, फकत ये हमारी मेहनत नहीं होती बल्कि ये होता है एक टीम एफर्ट। और एक टीम को यकीनन एक हेड की जरूरत होती है, जिस तरह से एक स्कूल प्रिंसिपल के बगैर स्कूल नहीं, कोई इदारा सरबराह के बगैर इदारा नहीं, उसी तरह से दूरदर्शन का ये इदारा तब तक कंप्लीट नहीं जब तक इसमें एक हेड ना हो, एक डायरेक्टर ना हो। और जब से दूरदर्शन केंद्र वजूद में आया तब से अलग अलग शख्सियात बहसते डायरेक्टर बहसते सरबरा उन्होंने यकीनन अपनी खिदमात अंजाम दी, तंग दही और मेहनत लगन से उन्होंने काम किया और इस इदारे को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। पिछले साल 2021 की अगर हम बात करें, 2021 में यकीनन हमारी खुश नसीबी रही कि डॉक्टर नसीब सिंह मनहास, जो कि जिन्होंने IBPS
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम सर्विस, वो साल 1988 बैच के ऑफिसर रहे और साथ ही कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने डायरेक्ट की, कई सारे सीरियल्स उन्होंने डायरेक्ट किए। इसके अलावा वो एक अच्छे आर्टिस्ट भी रहे और काफी थिएटर में भी उन्होंने काफी थिएटर भी किया है और साथ ही साथ वो एज राइटर, बहसित राइटर, उनकी चार किताबें मंजर आम पर भी आ चुकी है। यकीनन जब एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ का आगाज होता है, वही एक इनिंग्स का आगाज होता है, एक नई इनिंग्स का आगाज होता है एक इंसान के लिए जब प्रोफेशनल लाइफ का आगाज होता है। और डॉक्टर नसीब सिंह मन्हास के लिए कल वो इनिंग्स इख्तिताम को पहुंची। कल उनके रिटायरमेंट का दिन था और उस ताल्लुक से दूरदर्शन की तरफ से एक छोटी फेयरवेल पार्टी का इनकाद हुआ, जिसमें जो उनके दोस्त हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं, जो डॉक्टर नसीब सिंह मन्हास को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके वैलिडिक्शन पे उन्होंने कुछ वर्ड्स उनके एजाज में शेयर किए। इस ताल्लुक से एक छोटी सी रिपोर्ट आप तक पहुँचाते हैं, आप देखिए ये रिपोर्ट। अभी आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, डॉक्टर नसीब सिंह मन्हास साहब हमारे यहाँ दूरदर्शन के हेड ऑफ प्रोग्राम्स रहे और ज़्यादा वक्त तो हमने इनके साथ नहीं बिताया, एक साल का वक्त हमने इनके साथ इनके अंडर काम किया है, लेकिन यकीन माने जितना भी वक्त इनके साथ गुजरा बहुत ही अच्छा गुजरा। हमने काफ़ी कुछ इनसे सीखा, जब भी हमसे मिला करते थे बड़ी मुस्कुराहट के साथ मिला करते थे और बड़े नरम दिली से पेश आते थे। हमेशा हमें ये बात कहते यहां से रिटायर होके इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी खुद भी एक पहचान है। ओबी में आना, अपने स्टाफ को, सारे स्टाफ को अपने साथ लेके और फिर वहां पे मतलब खिलाना पिलाना और उसके बाद खुद स्टार्ट करना, ये क्वालिटी होती है जो क्वालिटी मैंने मन्हास साहब में देखी। मन्हास साहब का ये जो पीरियड था, ये 11 महीने का पीरियड था टोटल, और 11 महीने कैसे गुजरे किसी को पता नहीं चलता। मैं अगर ये बात बोलूं कि पलक झपकते ही ये 11 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चल। मन्हास साहब वो ट्यूलिप हैं जो कि बहुत कम अरसे के लिए यहाँ पे खिले और बहुत कम अरसे के लिए खिले और कैसे जा रहे हैं, पलक झपकते ही इनका पीरियड खत्म हो गया। खत्म क्या हो गया, आज रिटायरमेंट है इनकी। रिटायरमेंट से किसकी पर्दादारी है, रिटायरमेंट से किसकी पर्दादारी है, आज मन्हास साहब की तो कल राजा की बारी है। मन्हास साहब ऐसे हैं जिनकी पर्सनैलिटी अपने जॉब से बाहर भी है, जैसा कहा शायर हैं, पब्लिश्ड शायर हैं, जो रिकग्नाइज शायर हैं, उसके अलावा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, अच्छे इंसान भी हैं। आई एम श्योर कि जो इनकी आगे की जर्नी होगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। आई विश यू अ ग्रेट लाइफ अहेड, थैंक यू। 31 ईयर्स सर्विस इज नॉट ए स्मॉल सर्विस फर्स्ट ऑफ ऑल, बट उनका नसीब ऐसा है कि सिर्फ एक ही प्रमोशन मिला, अदरवाइज ये कहाँ डायरेक्टर से क्या एडीजी लेवल तक हो सकता था, बिकॉज ही इज जॉइंड डायरेक्टली फ्रॉम यूपीएससी, ही डिजर्व टू दैट वन। तो वो एक क्वालिफाइड, एक प्रोफेशनल में सर्विस में आया है, लेकिन उसका इज्जत इनका प्रोफेशन में नहीं मिला होगा, बट प्रोफेशनल सर्विस उसने देने में, हमको पाने में मिला है। एक्चुअली रियली ही कंट्रीब्यूटेड लॉट। यहां 10 महीने का सर्विस इनका बहुत छोटा है, एक्चुअली आई नो हिम सिंस लॉन्ग। ए प्रोड्यूसर हुआ करते थे और इनके साथ हमारा तालमेल करके हम हर चीज देखते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, कभी 2-3 बजे तक काम करते थे, मिडनाइट उनके साथ, अपना अपना, नहीं सर हम ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कि 2-3 बजे, जैसे उन्होंने सब लोग कहा था कि इनसे साथ बात करते करते या काम करते करते पता नहीं चलता है टाइम, तो वैसा हमारे साथ भी हुआ। रात को 2-3 बजे तक पहुंच जाते थे, खाना खाने के बाद बैठ जाते थे। क्यों, उसमें क्या ना, ही इज वेरी ह्यूमरसली शेयर्स सो मेनी थिंग्स, जो हमारा जो आई कैन से द ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी हल्का हो अपने आप कर देता था। मन्हास साहब वो सबका रिलेशन अच्छा मेंटेन करता है, दैट आल्सो आई विटनेस्ड ड्यूरिंग लास्ट विजिट।
तो मैं जब रिसेंटली हम साथ में गए थे तो हम दोनों साथ में जा रहे थे डायरेक्टरेट में, मतलब ये अराउंड 250 मीटर है वहाँ पहुँचने में, वहाँ पहुँचने मेरे को आधा घंटा लगा उनके साथ जाने में। क्यों? क्योंकि हर आदमी आता है, हर आदमी पूछता है, हर आदमी सर सब कैसे हो, हर एवरीबडी इज वेरी मच शोन अफेक्शन टूवर्ड्स हिम। तो वो क्या इनको मना साहब आया सब दौड़ के आते हैं डायरेक्टरेट में, उनके साथ खाना के लिए बुलाना है शाम को इनके लिए, वो इवन पान शॉप वाला भी इनके लिए मतलब कि एजेंडा रख दिया, सर आपको शाम को आके पान खाना है। मतलब दैट मच ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स अफेक्शन ओरिएंटेड वॉज शोन, कोई इतना शो किया, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने अपना सर्विस में, अपना टेन्यूर में, अपना एसोसिएशन में कहीं ना कहीं उनको उसी तरीका का रेस्पॉन्स दिया होगा, तभी तो वो लोग इतना आपको अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे। सो दैट वॉज द रियली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हैव सीन इट। अलमाइटी ही हैज ग्रेस्ड मी सो लव, आई हैव अवार्डेड 6 टाइम बाई दिस, दूरदर्शन की 5 अवार्ड, बेस्ट टेलीफिल्म कर्फ्यू, बेस्ट स्पॉट जो इन्होंने कहा अवधि जी ने एक दिन मेरे साथ, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री क्या कहूँ किसे कहूँ, बेस्ट सीरियल और बेस्ट रेवेन्यू अर्निंग अवार्ड फ्रॉम प्रसार भारती ये मिला। और जब मैं 2012-13 में ले में था तो इतना काम किया, एक स्वीप होता है ना इसका इलेक्शन कमीशन का, सिस्टमेटिक वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन, वहां ऐसा काम किया मेरा नाम रिकॉर्ड, वो नेशनल अवार्ड मेरे को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दिया। वहां सिमरदीप सिंह थे डीसी, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया पूरा क्राइटेरिया देखे, तो वहां तो 6 अवार्ड मिले। ठीक है, यूपीएससी का 88 का बैच हूं, इस समय जैसे रमानी ने कहा कि एडीजी होना था, ठीक है, लेकिन मैं उसका इतना शुक्रिया अदा करता हूं कि 12 साल से तो मैं एचओपी हूं ना, मैं डायरेक्टर प्रोग्राम चल रहा हूं, मैं पहला हमारे बैच मेरे हमारे सीनियर लोग भी हैं उनको डायरेक्टरशिप करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं उसने इतना मेरे को इज्जत दी है, इससे और क्या चाहिए आपको, उसका हम लोग कर्ज नहीं अदा कर सकते। अगर मेरे पास 100 लोग हैं इस ऑफिस में तो 99 तो मैं उनके लिए कर रहा हूं, अगर एक बंदे को मैं खुश नहीं कर पाऊंगा तो उसको मैं इग्नोर ही करूंगा, एक बंदे को मैं नहीं खुश कर पाया, खुश करने का मतलब है कि वो जो चाहते हैं उस नहीं करना है, कुछ फाइलें हैं, कुछ रूल हैं, कुछ रेगुलेशन है, जो नहीं मानेगा उसको मैंने चेंज करते रहना है, दुखी होगा बंदा, लेकिन कल को केंद्र तो सुखी मतलब रहे ना, केंद्र के ऊपर एलिगेशन नहीं आएगी। ये मैंने चीजें कुछ की हैं बड़े पोलाइट तरह से, मैंने हर बंदे की असाइनमेंट चेंज करता रहा, एलिगेशन ना आए, लेकिन मेरे को ऊपर एक कर्ज था कश्मीरी का, कश्मीरियत का, कश्मीरी भाषा का। वहां पहले साल में जैसे सलमान जी ने कहा है, आपने कहा साल में, जैसे इन प्रवेश ने कहा साल में 2-3 मुशायरे होते थे, मैंने 12 मुशायरे किए, कहीं इंडिया में किसी केंद्र में अगर कश्मीरी के मुशायरे कश्मीरी में होंगे तो कहां होंगे, जापान में होंगे क्या, जम्मू वाले क्यों करेंगे जी, पंजाब वाले क्यों करेंगे, कश्मीरी करेंगे ना, वो किया। बंट पत्र के लोग हैं इतने, वहां से डेपुटेशन पीएमओ हो से आया, कभी डॉक्टर जितेंद्र हो से आया, कभी एलजी की ओर से आया, कोई उधर से आ गया, इतने कर रहे हैं, बजट है नहीं, 1 करोड़ तो 50 पीछे बैठे होते हैं। असाइनमेंट मैंने थोड़ा पैर के इनको, मैंने जुबेर कहा, मैं जुबेर ऐसा कह सर ठीक है, फिर मैंने गुलजार जी को कहते सर काम बड़ा टफ है, मैं जुबेर करो आप जितना होता है करो, कुछ डॉक्यूमेंट ने की इन्हें तनबीर ने, तनबीर बहुत प्यारा मित्र है करने वाला है, वो करते करते चलो जितना होगा हमने किया, हालांकि हर एक तबके को हमने थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश की। म्यूजिक राजीव साधु को पहले कहा, उन्होंने किया काफी सारा, उन्होंने काम किया, आई अप्रिशिएट राजीव ने, किसी आर्टिस्ट को नहीं छोड़ा, लेकिन सारे को नहीं कर सकते ना आप लोग, उसने किया, फिर मैंने चेंज किया, फिर मैंने इनको कहा तनवीर हुसैन को, उन्होंने भी किया, फिर परवेज को कहा, मैंने असाइनमेंट चेंज की, टॉप से लेकर बी हाई ए तक जितने भी आर्टिस्ट हो सकते थे सभी आप करें कर सकते, उसके लिए बजट बड़ा चाहिए होता है। हालांकि आपको मैं थोड़ा सा वो हूँ, मतलब इमोशनल हूँ, और मेरे को वहाँ कहाँ भी गया, काफ़ी सारे एडीजी थे, ये है टाइगर, ये क्या है, क्यों है, ऐसा है, कौन असाइन नहीं, कैजुअल है, क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कभी सलमान जी के ऊपर, कभी रमन जी के ऊपर, कभी मेरे ऊपर, संजय साथ बैठे थे, कभी ये मतलब बड़ा मतलब मैं सर मैंने कुछ कहा क्या था, आप ना इमोशनल टच दे रहे हो, मैं सर इमोशन तो होते हैं लाइफ में, क्या होते हैं मीडियम में, क्या था फिर अपनी पॉकेट दे दो, यू पे फ्रॉम योर पॉकेट,
ये सब बैठे हुए, मैं थोड़ा अंदर, मैं यार ये आप लोगों के सभी लोगों के चेहरे नजर आ रहे थे उस समय मेरे सामने, आप लोगों के चेहरे थे, तो वो कहा हमारे तनवीर सुसान, कहा तनवीर, तनवीर, हाँ तनवीर ऐसा एक ऐसा इंसान है जिसने जम्मू वाले मेरे को, क्योंकि एडिशनल चार्ज आ गया जो केंद्र बंद पड़ा था, तनवीर एक ऐसा सिपा सलार है, ऐसा शेर बंदा है, मैं इसको शेर बोलता हूँ, इसने क्योंकि जम्मू वाले भी इसको मानते हैं, इस बंदे ने केंद्र को सर खोला, वहाँ ताले पड़े थे, वहाँ ताले थे, स्पाइडर घूमते थे वहाँ, इस बंदे ने किस किस तरह काम किया। फिर आज़ादी का अमर महोत्सव के हमने प्रोग्राम करने थे यहाँ, तो इतनी पॉसिबिलिटी आपको पता है कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं यहाँ, बहुत से नहीं हो सकती, वहाँ जाके हमने एक्शन टेकनर मतलब रिपोर्ट देनी थी भी आपने आज़ादी का क्यों क्यों नहीं किया, वहाँ से प्रोग्राम किए, और ये बंदा था, इसका फिर साथ दिया राजा ने, वो किया परवेज ने जो वहाँ काम किया, 6 कैमरे हैंडल करके आया बंदा वहाँ, किस तरह से मैनेज किया, लाइव किया, पहली बार जम्मू दूरदर्शन में 3 घंटे का डेफर लाइव किया, कभी हुआ ही नहीं था वहाँ, यहाँ तो हमने करना ही था, हमारा अपना प्राइम चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। एक ऐसी चीज जो इनके सामने रहेगी और हमेशा याद रखेगी, हम सबों की यादों के साथ सुबह उठ के इसकी तरफ नजर जाएगी, तो आप सबों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सेकंड इनिंग्स के लिए। گٹہ مزن یی زن گاش اس روزن پگہ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہ واش سیمٹیکس سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے شکتی سریا ایم آر کا کوالٹی नर्चर आईवीएफ सेंटर नई दिल्ली से वाबस्ता बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता आईवीएफ स्पेशलिस्ट अर्चना दमन बजाज पिछले 12 साल से वादी कश्मीर के बेऔलाद मायूस जोड़ों और जनाना अमराज में मुब्तला खवातीन का कामयाब इलाज मुआवजा कर रही हैं। 1 फरवरी 2022 रोज मंगलवार डॉक्टर अर्चना दमन बजाज उमंग आईवीएफ सेंटर करण नगर श्रीनगर में मरीजों के इलाज मुआवजे और तिब्बी मशवरे के लिए मौजूद रहेंगी। बेऔलाद जोड़े और खवातीन मरीज राब्ता करें 7780806089 या 9055530332। पता नोट करें, हेल्थ स्टी उमंग आईवीएफ सेंटर अपोजिट पेट्रोल पंप नियर शेखुल आलम हॉस्पिटल करण नगर श्रीनगर। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जे एंड के, और नाजरीन मोहतरम वक्फे से कबल हमने आप तक एक खसूसी रिपोर्ट पहुंचाई हमारे यहाँ दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के हेड ऑफ प्रोग्राम्स डॉक्टर नसीब सिंह मनहास साहब के रिटायरमेंट के हवाले से, जो उनकी इस इनिंग का जो इनकी इनिंग इख्तिताम को पहुंची कल 31 जनवरी को, उस ताल्लुक से हमने ये छोटी सी रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। यकीनन नाजिन मोहतरम ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक इंसान खुद इत्मीनान हासिल करता है चाहे वो किसी भी काम में जाए, जब वो खुद अपनी जबान से ये बात कहे कि मैंने आज तक जो भी किया मुझे इत्मीनान हासिल है, वो सबसे बड़ी बात होती है। इत्मीनान हासिल होना वो सबसे बड़ी बात होती है। और मुख्तसर वक्त, 1 साल का वक्त, इस वक्त में हमने उनके अंडर काम किया, जिस तरह से मैं अर्ज कर रही थी कि बहुत कुछ सीखने को मिला हमें उनसे। जब भी मैं प्रोग्राम करके यहां से हम लोग घरों की ओर रुख करते थे तो रास्ते में हम उनको वॉक करते हुए देखते थे, सेहत का उन्हें काफी ज्यादा ख्याल, वो सेहत का काफी ख्याल रखा करते थे और हमें पूछते थे कि हमने ऐसा प्रोग्राम देखा, यहां इस प्रोग्राम में आपने इस तरह से बोला, तो वो मिस्टेक भी वहीं करेक्ट करते थे। तो नाज़रीन मोहतरम यकीन जिस तरह से हम अर्ज कर रहे थे कि जब इंसान की प्रोफेशनल लाइफ का आगाज होता है, एक नई इनिंग्स का आगाज होता है, और वही इनिंग्स कल इख्तिताम को उनके लिए कल इख्तिताम को पहुंची, और हम
इस प्रोग्राम के जरिए से बहसत प्रोग्राम होस्ट और गुड मॉर्निंग जे एन के की पूरी टीम की तरफ से हम तो यही दुआ करेंगे कि नसीब सिंह मनहास जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, सेहतयाब रहे, और साथ ही वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड इनिंग्स। खैर, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यकीनन आज तो वनी इंतजार के अजकिस प्रोग्राम मजगूम पे आज साल अनम यम असि पज यो साल अनम तिंद तोलुक अकिस बखसूस शोबस सत सो शोब यमुक जन सान दोह दिश जिंदगी सत वाबस्त सो शोब जन सान जहनी मामलातन सत तो सान नफसियती मामलातन सत वाबस्त जन साइकोलॉजी वनान या इल्म नफसियात वनान तो बहसत माहिर नफसियात अजकिस प्रोग्रामस मज सान अजिक मेहमान यथ प्रोग्रामस मज तशरीफ फरमा तम वक्त नाव किन त जानान वारिया इंटरव्यू तसान तुम तिंद बूझमित वुचमित अमे अलावा तम सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव आसान मोटिवेशनल स्पीकर तम तमाम नाजिन मोहतरम अख सोशल एक्टिविस्ट तो बहसत सोशल एक्टिविस्ट तमो समाज की बहबूदी खातर वारिया रच काम करम तो तम सो तुह मुलाकात सानिस अजकिस प्रोग्रामस मज लैला कुरैशी जी साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, सेठा सेठा शुक्रिया, सेठा शुक्रिया योर इन बापत सानी दावत कबूल करने बापत शुक्रिया शुक्रिया लैला। इसे कबल चूंकि आज के इस प्रोग्राम में हम एक मखसूस मौजू के तहत बात करने वाले हैं, वो मौजू जो है उस ताल्लुक से दिल तो नहीं करता कि बात करें, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल हम आजकल देख रहे हैं हमारे माशरे में, हमारे समाज में, नौजवान किस तरह से मनशियात की लत में पड़े हुए हैं, किस तरह से वो अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, हमें इस ताल्लुक से बात करनी लाजमी है, बात करनी चाहिए, इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन उससे कबल हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन को भी इश्तियाक होगा कि हमारी जो आज की मेहमान हैं उनका ताल्लुक किस इलाके से है और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा। ठीक है, मेरा तारुफ तो आपने बहुत प्यार से दे दिया, शुक्रिया इकरा जी। तो मैं वादी कश्मीर से हूँ और बस मुझे लगता है जब तक इस सरजमीन पे कुछ अच्छा कर ले, कुछ अच्छा कर ले लोगों के लिए, इस जमीन के लिए, वही मेरा एम है। और जैसे आपने कहा कि मैं जहनी दबाव या जहनी जो भी बीमारियां होती हैं उनके साथ डील करती हूँ, और सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं या जहनी तकलीफ नहीं होती है, बाकी भी जैसे सब्सटेंस अब्यूज आपने कहा, ड्रग्स के हवाले से हम काम करते हैं क्योंकि ये सारे हमारे ही डोमेन है और इंटर रिलेटेड है। फिर उसके अलावा जो बच्चे होते हैं जो जहनी थोड़े कमज़ोर होते हैं, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ऑटिज्म होता है, ADHD होता है, उसके हवाले से भी हमारी टीम और मैं खुद काम कर रहे हैं। तो हमारे कुछ डोमेन्स हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हम फतेह हासिल करें, कुछ करें ताकि इस सरजमीन को भी कुछ दे सके इंशाल्लाह। लैला, आपसे इस बारे में भी हम बात करेंगे कि जैसे हमने, जैसे इकरा ने भी फरमाया कि ड्रग्स की जो वबा है आज कश्मीर, हम इसके अंडर आ चुके हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है और ये ऐसे फैल रहा है, एक वबा की तरह फैल रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने जहनी तकलीफ की बात की, जहनी जो तकालीफ होती है उस बारे में बात की, लेकिन अगर देखा जाए हम एज अ सोसाइटी, ये कोई ये एक अलमिया ही कहेंगे इसे, कि हम लोग इसे बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं, इस बारे में बात करते नहीं हैं, या फिर ऐसा कहे कि इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते हैं, तो कितना मुश्किल रहता है, कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं जब आप ऐसे पेशेंट्स से मिलती है, कितना उनको सपोर्ट रहता है, आप इस बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, जैसे इकरा ने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कहा, खामोश रहना एक बहुत बड़ी ताकत होती है, मगर इस चीज में खामोश रहना एक अपने लिए नुकसानदेह चीज हो सकती है। जितना हम प्रोफेशनल्स की भी गलती है, जितना हम कम इस बारे में बात करते उतना स्टिग्मा बढ़ता जा रहा है, और जितना जो भी ट्रीटमेंट लेके माशाल्लाह अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे वो भी सामने आके बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि भाई सोसाइटी में हमें जज किया जाएगा, तो स्टिग्मा जो वो है वहां पे, और हम लोगों की वजह से ही है क्योंकि हम इस स्टिग्मा को बढ़ा रहे हैं बिना बात किए हुए। तो जैसे आपने कहा कि अगर मेरे पास कोई आता है, काउंसलिंग आता है, हम पेशेंट ज्यादा उनको कहते नहीं है, मगर जो काउंसलिंग हमारे पास आता है काउंसलिंग के लिए, पहले जरूरी है ये जानना क्या सच में उनको जहनी दबाव है कि नहीं,
क्या ज़हनी दबाव ही है या ज़हनी तकलीफ है, ये दो अलग चीजें हैं। ज़हनी दबाव हम सबको है, हम सब की जिंदगी में परेशानियां हैं, स्ट्रेस है ना। हम सब सुबह जब हम यहाँ आ रहे थे हमें ठंड लग रही थी, तो वो भी एक ज़हनी दबाव के कैसे जाएं आज छुट्टी कर लेते है कि नहीं। मगर ज़हनी तकलीफ उससे बढ़कर होती है, आप अपनी जिंदगी की जो सारे शौक हो जाते वो ऐसा ऐसा खत्म हो जाते, जो जिंदगी का पर्पस होता है, जो एम होता है, वो सारा खत्म हो जाता है और इंसान को पता ही नहीं चलता। इंसान का चैन नहीं होता है, दिल नहीं होता है उठने का, बिस्तर से उठने का। और ये एक दिन मैं आप नहीं बता सकते हैं कि भाई एक दिन इसके साथ ऐसा हुआ तो इसको ज़हनी तकलीफ है, इसको खुदा ना खासा डिप्रेशन है या कोई भी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नहीं, हमें थोड़ा वक्त लेना होता है, सिम्टम्स कम से कम 6 महीने रहने चाहिए, कम से कम हमें उनको काउंसलिंग के साथ थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना आराम देना चाहिए, उसके बाद आते हैं बाकी ट्रीटमेंट जैसे मेडिकेशन या जो भी है। मगर पहला यही है कि आप अपने लिए उठ के क्लिनिक आ गए, वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इतना बड़ा स्टिग्मा है, उसके बाद आप सोचते हैं कि नहीं मुझे असिस्टेंस चाहिए, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, तो जब आप पहुंचते हैं हमारे तक हम उसी को बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। उसके बाद डिफिकल्टीज होती है क्योंकि ये ट्रीटमेंट ऐसा है कि हर ट्रीटमेंट मुझे लगता है फॉलो अप की जरूरत होती है, मगर हम एक बार ही आते फॉलो अप भूल जाते हैं, हमें लगता है एक बार ही में ही हमें इलाज हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, मगर इसमें वक्त लगता है। ये जहन को ठीक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसमें इट्स टाइम कंज्यूमिंग, एक्जैक्टली ग्रेजुअल प्रोसेस, एक साथ तो होगा नहीं, रफ्ता रफ्ता ये इंसान ठीक हो सकता है। और जिस तरह से अभी इरम भी कह रही थी कि हम लोग इस को बड़ा ही लाइटली लेते हैं, बहुत समाज उसको बड़ा ही लाइटली लेता है। अगर इस ना गारस मज वे कि कह बड़ा थप कर आसान या बाजे बसान कि यह सारे सत ना मिलान जुलान तथ कह वन कि यह खूचमुत अमिस दानव सा फोकरस पीरस नश गमिस दानव फोकरस गोया अस तमें आई नवान कह दपान कि शायद मा यह अमिस अलग बहवान अमिस मगर यह समझान कि अमिस मह जहनी दबाव या ये अमिस मह जहनी तकलीफ तम हवाल करो बे प्रोग्राम मजीद कह यह तसलसल थो करार। मगर फिलहाल नाज़रीन मोहतरम प्रोग्राम में वक्त हुआ चला है एक वक्फे का, वक्फा लेते हैं मुख्तसर सा और उसके बाद लौटते हैं, आप तक पहुंचाते हैं अखबारात की सुर्खियां। प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है, इसमें इस तरह के एरर्स तो रहते ही हैं। अब जब तक ये ब्रेक हम आप तक पहुंचाएंगे, वो तो ब्रेक तो हम जरूर लेंगे, लेकिन हम मुझे ऊपर से क्यों मिला है कि ब्रेक जो है रेडी है, फिलहाल लेते हैं हम एक वक्फा, वक्फे के बाद जल्द लौटते हैं। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है, शक्ति सरिया एमआर का क्वालिटी। मूल का नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले एक साल से वादी कश्मीर में ऐसे बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान आईवीएफ क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है, उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जालंधर का और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार मंगलवार और बुधवार को आईवीएफ का खसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। गटि मजन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कढ़व बाश सेमटेक्स सिमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेएनके, जो कि हर रोज लाइव टेलीकास्ट होता है डीडी कशीर के चैनल से। नाज़रीन, इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी बराह रास्त देख सकते हैं और यूट्यूब पे आप हमें अपने कमेंट्स से भी नवाज सकते हैं, अपने फीडबैक्स, अपने सवालात अगर कोई है तो बिल्कुल आप हमारे यूट्यूब सेक्शन, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डालिए, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनको शामिल करें। नाज़रीन, इस वक्त शो में वक्त होता है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मैं शुरू करती हूं इस अंग्रेजी न्यूज़नामा से जिसकी शह सुर्खी ये है कि इंडिया रिकॉर्ड्स 2.09 लाख फ्रेश कोविड केसेस, ओमिक्रॉन में भी बिगिनिंग ऑफ द एंड, डॉक्टर खुरू। साथ ही इसकी एक और सुर्खी है कि जम्मू बारामुल्ला रेलवे लाइन बाउंड टू अपलिफ्ट इकोनॉमी ऑफ जेएनके। जी, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और इस रोजनामे से आप तक चंद सुर्खियां पहुंचाएंगे। पहली ये, हज के लिए दरख्वास्त फार्म भरने की तारीख में मजीद 15 दिनों की तोसी, अब आजमीन हज 15 फरवरी तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। और एक सुर्खी इसी अखबार से, श्रीनगर में मजीद 18 इलाके बंदिश वाले जोन करार, इंतजामिया। जी, मेरे पास उर्दू रोजनामा है, इससे खबर है कि वायरस की ताजा लहर से कश्मीर में 15 लोग चल बसे, तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात। जी, एक मकामी अंग्रेजी रोजनामे से ये अहम सुर्खी आप तक पहुंचाते चले। एफएम टेबल्स इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इन लोकसभा, इंडिया टू रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी टू एक्सपैंड 8.5% इन FY23 सर्वे। बिल्कुल, इकोनॉमिक सर्वे के ही हवाले से उर्दू रोजनामा में भी ये खबर है। उर्दू में भी मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की जीडीपी की शरह नमून 9.2% रहने की पेशनगोई, इक्तिसादी सर्वे 2021-2022 पार्लियामेंट में पेश, मुल्क ने तरक्की के अहदाफ हासिल करने में काबिल जिक्र पेशरफ्त की, वजीर खारजा। जी, उर्दू रोजनामा मेरे पास और इस अखबार से भी हम आप तक ये अहम सुर्खी पहुंचाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने आईसीयू प्रोग्राम का आगाज किया, यूटी के 40 डॉक्टरों के पहले बैच की तरबियत शुरू। जी, और टेम्परेचर के हवाले से ये खबर है कि मर्करी इम्प्रूव्स एज चिलेकलान एंड्स। आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा है और इस अखबार से आप तक हम ये सुर्खी पहुंचाएंगे, जिस्मानी और जहनी तौर नाखेज बच्चों का मुस्तकबिल तारीख, वादी में 12 स्कूल लोगों के अतिया पर कायम, हुकूमती माली मानत की कोई पॉलिसी मौजूद नहीं। जी, मेरे पास ये आखिरी रोजनामा और बजट सेशन के हवाले से इस पर खबर शाया है कि प्रेजिडेंट हाईलाइट्स वैक्सीनेशन सक्सेस, हेल्थ इंफ्रा बूस्ट, इलेक्शंस कीप हैपनिंग बट बजट सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम मोदी। शुक्रिया नाज़रीन, आप तक पहुंचाई हमने ये अखबारात की सुर्खियां। हम आगे डिस्कशन जारी रखेंगे अपनी आज की मेहमान के साथ जो कि है लैला कुरैशी। लैला, हम आप बात करना चाहेंगे जो कि इकरा ने भी जिस बारे में बात छेड़ी है, जो कि ड्रग्स की वबा है, यहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज की बात की आपने। नवंबर 2021 में जेके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्वे के हिसाब से जो उन्होंने ये खबर दी हमें कि 6 लाख बाशिंदे जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की इस वबा से असर अंदाज है। 6 लाख लोग हमारे रियासत में, एग्जैक्टली, ये काफी एक बहुत सरप्राइजिंग और बहुत ही बहुत दुख भरी भी न्यूज है। तो इस बारे में क्या है आपके जो आपके एक्सपीरियंसेस है, थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए, ड्रग्स कश्मीर में एक अलार्मिंग सिचुएशन पे, एक इमरजेंसी है। जैसे जब कोविड आया सबने पहले लाइटली लिया, उसके बाद अब एक वक्त आ गया है कि इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, और वो एक वक्त भी था जब अलार्मिंग सिचुएशन था, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे, जब बेड्स अवेलेबल नहीं थे हॉस्पिटल में। सेम चीज ड्रग्स भी है। ड्रग एक ऐसे इस वक्त जगह पे आ गया है जहां पे हम सबको एक इमरजेंसी सिचुएशन में ड्रग्स को खत्म करने की जरूरत है। मैं आपको यूथ और एडल्ट्स की बात तो बाद में करूंगी, लेकिन छोटे बच्चे 12 साल, 7 साल, 8 साल, ये बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आपके माइनर्स
भी इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स में. इसका ये मतलब है कि जो भी आपके आगे आने की यूथ होती है, नौजवान होते हैं, वो खराब हो रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं, वो अपने आप को इस लत में इतना ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि और कुछ वो देखने की हालत में नहीं है. तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है. हमारे, मैं आपको बताऊंगी, हमारे रिहैब में 15 साल का बच्चा भी एडमिट हुआ है. हमारे रिहैब में 40 साल के मतलब एडल्ट भी एडमिट हुए हैं. दैट मींस वेरिएशन जो है वो काफी ज्यादा है. ठीक है ना, काफी ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है. और हम सबको मिलके ये चीज खत्म करनी है. देखिए, हम कब तक दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे या दूसरों को कहते रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस को या किसी को भी. हम भी अवाम हैं, हम भी सोसाइटी हैं, हमें भी इसमें आना चाहिए. एक छोटी सी मिसाल मैं कहूंगी. मैंने पिछले दिनों मैं जा रही थी, ऑफिस जा रही थी, तो मैंने देखा छोटा सा बच्चा, तकरीबन मुझे लगता है उनकी उम्र होगी 8-9 साल, वो दुकान पे गए और उन्होंने वो सिगरेट पैकेट खरीद के वो वहां से निकले. तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई. मगर अब मैं ये सोच रही थी, चलो बच्चे की तो है गलती, चलो एक किस्म का हम मान लें वो नादान है, माइनर पे तो केस भी नहीं चढ़ता है, मगर उनका क्या जो सिगरेट को बेच रहे हैं, क्या उनको वो अकल नहीं है कि भाई ये एक क्राइम है? 18 साल से नीचे आप जिसको भी सिगरेट भी बेचेंगे वो भी क्राइम है. तो आप, हम लोग वो नजरअंदाज कर लेते हैं ये सोच के, या जो वो बेच रहे हैं वो नजरअंदाज कर लेते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, मेरा तो फायदा हो रहा है, मैं कुछ पैसे कमा रहा हूं. लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये बच्चा 10 और को शायद सिगरेट दे रहा है. दैट मीन्स हमारे जो बच्चे हैं वो एक ग्रुप में, एक पूरे मतलब नौजवान ही खत्म हो रहे हैं हमारे. आप देखें कश्मीर में पहले कितने इंटेलेक्ट्स पैदा होते थे, कितनी अचीवमेंट्स होती थी, कितने सारे बहुत सारे सिविल एग्जाम्स पास करते थे. आज वो एरा ही ना वो खत्म हो चुका है. हमारे जो बच्चे हैं उनके जो ब्रेन है वो ड्रग्स डेड कर रहा है. हमारा वो जो एक ओहदा था कि कश्मीर में कितना टैलेंट है, कितनी मतलब कितने बच्चों को शहूर है, वो सारा आहिस्ता 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 खत्म हो रहा है. और मेरे तो आंखों के सामने रोज खत्म हो रहा है. तो हम तो रोज इस चीज से जलते हैं. ये सुनना बड़ा आसान है कि 70% गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया है. मैं कहती हूँ अगर हम लोग एज ए सोसाइटी सर्वे करेंगे तो 80% हमें लोग मिलेंगे ड्रग्स में मुलविस होंगे. बिल्कुल बजा फरमाना है आपका. और यकीनन जो सूरत हाल है इस ताल्लुक से तशवीशनाक है. सब हम सबको इस और अपनी तवज्जो मरकूज करने की बहुत जरूरत है. अफसोस स्थिति याशिर पड़ मानून यम साथ अख बच्चे, चाहे यू गो कोचिंग सेंटर या यू गो ट्यूशन या यू गो स्कूल या वन गर तम पे बहवा अलग कमरस मन गिकन पता कि यह पारान दो रात अमिश दोह तो रात कुन तिका कुठस मन पारान मगर अच्छा बंद खेल चलान गिकन पता क्या मोलिस माजन पता क्या तुथ क्या तम कम अलामत जन मोल मोज वे कि बच्चा सही क्या यह ना तम आई यम आई ब्रोह उस तम जन तुम गोडनेथ रेक्टिफाई कर बबा यु जन फल बेसिकली क्या चीज होती है कि अब अगर एक महीना आपकी नजर गुजर नहीं रही या हफ्ता दो हफ्ता नजर गुजर नहीं रही. अच्छा। मैं समझ सकती हूँ कि चलो माँ बाप बिजी थे या बच्चों पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा है इसलिए उन पे नजर नहीं रखी. मगर अब कोई माँ बाप हमारे पास आते हैं वो कहते हैं 10 साल से मेरा बच्चा ड्रग्स में, मुझे आज पता चला, तो मैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ. मैं पेरेंट्स को ही तब ब्लेम करूंगी कि भाई आपकी नजर गुजर 10 साल से कहाँ थी. 5-6 साल से अब बच्चे हमारे पास, पेरेंट्स आते कहते 5-6 साल से मेरा बच्चा ड्रग्स करता है, मुझे तो पता ही नहीं ये चीज क्या है. मगर आपको क्यों नहीं पता है, आपकी नजर गुजर कहाँ है? जैसे आपने कहा अगर ट्यूशन से आ रहे, मुझे आप एक बात बताएं, स्कूल बच्चा जाता है, चले स्कूल बंद है, ट्यूशन जाता है, उसके बाद कितने घंटे एक बच्चा पढ़ सकता है कमरे में बंद रह के? ये एक कॉमन सेंस की बात है. कुछ ऐसे साइंस मैं आपको सिंपल साइंस बताऊंगी. एपेटाइट, जो इंसान जो बच्चा खाता है, आपने अक्सर देखा होगा आपके घर में भी बच्चे होंगे, बच्चे अक्सर खाने में काफी इंजॉय करते हैं, है ना, चाहे वो स्नैक्स हो, चाहे वो बाहर का खाना हो, चाहे घर का खाना हो. जब बच्चे ड्रग्स लेना शुरू हो जाते हैं सबसे पहले उनके एपेटाइट पे असर पड़ता है. वो खाना आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं, वो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं, उनको ज्यादा प्यास लगती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है. आहिस्ता आहिस्ता उन
की बॉडी कमजोर होती है, उनकी नींद बिल्कुल ही गायब हो जाती है, डिप्राइव हो जाते हैं वो नींद से, रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब बताएं, अगर एक बच्चा घर में 1-2 बजे तक सो रहा है, क्या माँ बाप की ड्यूटी नहीं देखने के लिए कि ये रात को अगर जगा है तो क्यों जगा है? आपको माँ बाप को नींद ही कैसे आ रही है अगर आपका बच्चा रात के 3 बजे तक जगा है और आपको पता भी नहीं है बच्चा क्या कर रहा है? फिर पैसे, बच्चे अचानक, आप अपने बच्चे को जानते हैं, आप मुझे लगता है सरताज है माँ बाप अपने बच्चे के, तो उनको तो उनने पैदा किया, उनको तो पता होगा क्या बिहेवियर चेंजेस मेरे बच्चे में आ रहे हैं। पैसे मांगना, अचानक से गुस्सा करना, अचानक से अजीब तरीके से बिहेव करना, जो चीजें पसंद थी वो ना पसंद होना, ये छोटी एक ऐसी चीज है जिससे इंसान कहता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ चल रहा है, मैं देखूंगी क्या हो रहा है। आंखें रेड हो जाती हैं, दिन में 24 घंटों में एक बारी आंखें अचानक से रेडिश कलर की हो जाती है, वो भी एक अलामत है कि भाई आप देखें कि आपका बच्चा ड्रग्स कर रहा है। फिर उंगलियां जो है वो येलो होती हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये कुछ फिजिकल चीजें हैं जो आपको नजर आएंगी अचानक से, कि आपको लगेगा नहीं मेरे बच्चे में कुछ ना ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। बिल्कुल, और उसी टाइम अगर आपको लगता है कि भाई आप, मैं एक छोटा सा मतलब ना एक ट्रिक बोलूंगी पेरेंट्स को, अगर आपको लगता है कि नहीं, एक तरफ से आप बहुत ट्रस्ट करते हैं आपने अपने बच्चे पे, दूसरी तरफ से आप ये सोसाइटी को नहीं बताना चाहते, दूसरी तरफ से आपको हेल्प भी चाहिए, छोटी सी चीज करनी है, बच्चे का अचानक से बोलना है कि भाई मुझे लग रहा है आप कमजोर हो रहे हो, आप यूरिन टेस्ट करेंगे। अच्छा। चले मैं आपका यूरिन टेस्ट करूंगा, तो लैब लेके उनको सिर्फ इतना कहना है कि भाई हमें ड्रग टेस्ट करना या ब्लड टेस्ट से, उसी टाइम आपको पता चलेगा। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं, उसी टाइम आपको पता चलेगा आपका बच्चा ड्रग्स में है या नहीं। और एक अहम चीज मैं यहां कहना चाहूंगी, जो बच्चे इंजेक्शन लेते हैं उनका हेपेटाइटिस सी अक्सर पॉजिटिव आ जाता है और HIV भी अक्सर पॉजिटिव आ जाता है। वो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है हमारे लिए। हमारे यहाँ पे अगर 70% बच्चे यूथ ड्रग्स में है, दैट मींस कम से कम 50 बच्चों को हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव होगा। दिस इज अ बिग थिंग। एग्जैक्टली, बातचीत का सिलसिला हम इसी तरह से आपसे जारी रखेंगे, कई सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, अब तक ये एक छोटा सा स्पॉट हम पहुंचा रहे हैं, इसमें यही है कि COVID-19 का जो पेशेंट है किस तरह से हमें उसका खास ख्याल रखना है, किन SOPs को फॉलो करना है, देख लीजिए ये स्पॉट। अगर गरस मज कर्स कोविड गो मुच्छो इमसिंग रोज नुक इंतजाम करियो अलग कमरस मज ते तेमिस निश गस न बीजे मा मुशरेवियो जाहते मास्क लगित गसुन यमन बानन मज दस चाय तो बत दियो तिम गचन वार पट छल नबर पे मल अनमित दौद सब्जी खान चन चीज गसन असल पट छल योतान न जरूरी आसे तोतान म नीरियो गर नबर बचन तो बुजुर्गन हुन थयो ख्याल कोविड गसन की सूरत मज म अनियो पनिस दिमागस मज नाकार ख्यालात जान पट वक्त सरफ करन बापत परियो किताब या वुचू टीवी या इंटरनेट स्पेट जान प्रोग्राम गरस मंज अलग रोजन मतलब गव न कि तु सारे नि जुदा रोज यह गर बचन हुन फर्ज कि मरीज दिन न कुन जोन महसूस करना तो तेमिस सूत रोजन कत बात करान इमरजेंसी मंज ही डॉक्टरस मशवर जरूर थर्मोमीटर सहित गज पन्ने शरीर ताफ तो ऑक्सीमीटर सहित गज ऑक्सीजन लेवल चेक करवन रोजन एम्बुलेंस सर्विस रब्त करने खतरे करेव अखत 8 नंबर पे डायल डॉक्टरी मशवर खतरे हेकिल तो संजीवनी opd.ins पे पनुन पान रजिस्टर करित तो टोकन हासिल करित कुंत किस्म जानकारी हासिल करने बापत करेव सेंट्रलाइज्ड हेल्थलाइन नंबर 104 डायल जारी करन वेल नेशनल हेल्थ मिशन JNK। नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ आप सबका आपके फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, आपने अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे यूट्यूब चैनल पे अपना फीडबैक कमेंट्स के जरिए हमारे साथ शेयर किया है। मैं घड़ी से कुछ मिनट चुरा के आपकी ये कमेंट्स शेयर करना चाहूंगी। हमारे साथ कमेंट्स में है खुर्शीद खान साहब, सईद रूबी जान साहब, सईद रूबी जान साहिबा, गुलाम जिलानी, फारूक अहमद खान साहब, पीर ईशाक, रिफत जान,
मोहम्मद सामिर, मीर मुश्ताक अहमद, ये सब अस्सलाम वालेकुम कह के हम तक अपनी सलाम पहुंचा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही है सबा खान जी, मोहम्मद अयूब साहब, गुलाम कादर साहब, सईद नदीम साहब, महजूर साहब, सलीम दार साहब, बिलाल अहमद साहब, इन सब ने गुड मॉर्निंग और सलाम भेजी है हम तक। बिल्कुल सलाम, दुआ का सिलसिला इसी तरह से सुबह से ही इस सिलसिले का शुरू आगाज होता है। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा कि कुछ कमेंट्स हमें 7:50 पर ही आए होते हैं, जबकि 8 बजने से कबल ही हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मैंने कहा कि बहुत इंतजार रहता है सबको हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से प्यारो मोहब्बत से हमें नवाजने के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, आज जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ फरमा है, लैला कुरैशी साहिबा जो माहिर नफ्सियात है, इससे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। एक सवाल मेरे जहन में, एक छोटा बच्चा होता है, जब हम इस आजकल हुकूमती सतह पर भी इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ स्कूल्स में भी इस ताल्लुक से वो बेदारी आम की जाती है, एक छोटे बच्चे को ये दर्ज दिया जाता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, आपको कौन सा टच समझना है, आपको किस टच पे एक्ट करना है, कौन सा टच सही नहीं है, गोया हम इस ताल्लुक से बच्चे को बेदार करते हैं। आपको नहीं लगता वालिदैन पर या स्कूल अथॉरिटीज पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि बच्चे को सबसे पहले हम इस ताल्लुक से भी दर्ज दें कि बच्चा ड्रग्स क्या है और इसके क्या मनफी असरात है, आप कैसे इससे बच सकते हैं? आपको नहीं लगता इस ताल्लुक से बेदारी आम करने की जरूरत है? देखिए, बाखबर बच्चों को करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ बाखबर करना, बेहयाई में, हयाई में, बेशर्मी में और शर्मी में बहुत फर्क, थिन लाइन होती है, ठीक है ना, एक बहुत स्लाइटली फर्क होता है। तो हमें ड्रग्स के बारे में बच्चों को मालूमात देनी है, या हमें जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है या गुड टच और बैड टच जिसको हम कहेंगे उसके रिलेटेड भी बच्चों को मालूमात देनी, लेकिन कैसे हम वो दे रहे हैं वो मायने रखता है। अगर आप स्कूल अथॉरिटीज को मतलब इस चीज की जिम्मेदारी देते हैं या माँ बाप को, वैसे तो दोनों की है, उस तरीके से बच्चे को समझाना है कि उसको समझ आए कि उसके लिए अच्छा और बुरा क्या है। ये नहीं कि जमाना ही खराब है, गलत ही चीजें हैं, जाहिर सी बात है उसको जब अपना आप मतलब अपने में फर्क पता चलेगा कि भाई मेरे लिए ये सही है और ये गलत है, तो उसको जमाने में जीना खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये बाखबर करना बहुत जरूरी है। अब आप इतना डीप चले जाएंगे कि जो बच्चे को नहीं भी पता होना चाहिए वो भी बता देंगे तो वो तो जायज नहीं है। उतनी ही नॉलेज आप दीजिए जितना बच्चा ग्रास्प कर सके, जितना वो समझ सके। अब 3 साल के बच्चे को आप किस तरह समझाएंगे गुड टच और बैड टच, वो बहुत एक एक्सपर्ट के हवाले से आपको समझाना है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी तो आज हमारे पास ये फोन है जो बच्चों के हाथ में होते हैं, बच्चों ने कुछ भी वर्ड डाल दिया, आपको पता है कितना कुछ निकल जाता है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, तो बच्चे को ओवर एक्सपोजर मिल जाता है, वो चीज से हमें बिल्कुल परहेज करना चाहिए। तो बिल्कुल बाखबर करें बट एक अच्छे तरीके में। लैला, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। हमने प्रोग्राम से कबल भी इस बारे में बात की कि आपने कहा कि ड्रग अब्यूज और मेंटल हेल्थ इश्यूज ये एक सर्कल है, वन कैन कॉज अनदर, राइट? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक बच्चा, आपने कहा 15 साल का बच्चा या फिर उससे भी छोटे बच्चे जो ड्रग अब्यूज का शिकार हो रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं ड्रग्स की ओर? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि घर का माहौल अच्छा रहना और अपने माँ बाप के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर बच्चों का भी डेवलप होना कि वो अपने स्कूल से आके या ट्यूशन से आके अपने माँ बाप के साथ फ्रेंकली बात कर सके, ये कितना जरूरी है उनके जहन को बढ़ा, उनके जहनी मिजाज को बढ़ाने के लिए, इस बारे में आप अगर थोड़ा। हमारे कश्मीर में एक बहुत बड़ा मसाइल है देखा देखी, चाहे सही या गलत, हम देखा देखी में बहुत ज्यादा मुलविस हो जाते हैं। बच्चों की भी एक आदत है, चाहे सही या गलत, कोई अच्छा स्कूल है सब वहीं पे एडमिशन करेंगे, है कि नहीं? अब ड्रग्स है तो बच्चों में, आप जैसे आपने कहा छोटे बच्चे, जब भी मैंने छोटे बच्चों से बात की है हमेशा इन्होंने कहा मैम हमने शौक से किया, हमने फॉर फन किया, हमारा फ्रेंड कर रहा था तो हमने भी कर लिया, उसके बाद हम उसके
आदि हो गए। जाहिर सी बात है ड्रग्स इतना पावरफुल है कि आप कुछ दिनों में ही उसके आदि हो जाते हैं, कुछ दिनों में ही आपको ड्रग्स के बगैर नींद नहीं आती, कुछ दिनों में ही ड्रग्स के बगैर आपकी बॉडी ऑपरेट करना बंद हो जाती है। तो जाहिर सी बात है शोक शोक में ही बच्चा आदि हो गया, ठीक है ना। अब आप कह रहे जहनी तकलीफ, ये रिसर्च भी कह रही है और हम एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और हमने देखा भी है फील्ड पे कि जिन्होंने भी ड्रग्स लिया है, चाहे वो कोई भी ड्रग्स हो, चाहे वो सिंथेटिक ड्रग्स हो या बाकी सारे ड्रग्स हो, मेडिकल ड्रग्स हो, ये सारे ब्रेन को आहिस्ता 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 डैमेज कर देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं जो मैसेज पास करते हैं आपके ब्रेन में ताकि आप रिएक्ट कर सके, ताकि आप बिहेव कर सके किसी तरीके में, वो ऐसा ऐसा डैमेज हो जाते हैं। तो आप सोचे कि उसको कितनी मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, उसका तो मतलब उसका तो इमोशनल हेल्थ भी बहुत ही खराब हो गया होगा, उसका प्रोसेसिंग जो होता है हम किस तरह प्रोसेस करते हैं ब्रेन से ही करते हैं, वो सारा डैमेज हो जाता है। तो नेचुरली जो भी ड्रग्स करता है वो आहिस्ता 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 मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में चला जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये सारी चीजें उनकी जिंदगी में आम हो जाती है और उनको पता होता है कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। तो हमारा काम बहुत बढ़ जाता है, सिर्फ ड्रग से डिटॉक्स नहीं करना होता है, उनको काउंसलिंग, उनको थेरेपीज भी देनी पड़ती है एंड फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। जब वो डिटॉक्स होते हैं उसके बाद जब वो क्लीन हो जाते हैं, उसके बाद जब उनके जहन में थोड़ी समझ आती है कि मैं किधर हूं, क्या हूं, मैं अपना ट्रीटमेंट ले रहा हूं, मैं अब अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता हूं, मुझसे गलती हो चुकी है, तब कहीं जाके हम सारी चीजें शुरू करते हैं, सारे प्रोसेस एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। डिटॉक्स की आपने बात की, इस हवाले से मैं ये जानना चाहूंगी कि रिहैब का प्रोसेस कैसे रहता है, अगर इतना सारा ड्रग अब्यूज हो रहा है यहाँ पे, आई एम श्योर एक होप, एक उम्मीद ये है कि रिहैबिलिटेशन से हम उनको इससे, इस वबा से निकाल सकते हैं। आपने भी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया है और ओवरऑल कश्मीर में रिहैबिलिटेशन का क्या स्कोप है, आप हमें प्लीज बताएं। देखिए मैं तो ये कहूंगी कि हमारे जो भी, मैं ये गुजारिश करूंगी जो भी कुछ लोग हैं जो इस फील्ड में, वो रिहैब जल्द से जल्द शुरू कीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे ज्यादा प्राइवेट रिहैब्स हैं नहीं, एक गवर्नमेंट आपको भी पता होगा ईदगाह में है, एक खानियार में है और एक पुलिस के अंडर है, बट मालूम है वो शायद शिफ्ट हो चुका है और पुलिस इस पे रिहैबिलिटेट कर रही है बच्चे बाकी कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट में। प्राइवेट एक हमने ही शुरू किया और हम ही कंटिन्यू करें, बिकॉज मैं बिल्कुल मानती हूँ ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। आप सोचें एक बच्चा अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से संभाला नहीं जा रहा है, वो घर पे तोड़फोड़ कर रहा है, वो घर पे ऐसी चीजें कर रहा है जो माँ बाप नहीं संभाल सकते, वो खुद को हार्म पहुंचा रहा है, खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बच्चे को जब आप हमारे पास एडमिट करते हैं तो हमारा कितना बड़ा चैलेंज होता है, हमारी टीम दिन रात इसी चीज में लगी होती है कि कैसे हम इस बच्चे को पहले डिटॉक्स करें और उसके बाद उसको सही ट्रैक पे लाएं। डिटॉक्सिफिकेशन हमारा सबसे मुश्किल होता है क्योंकि उसमें बच्चे से हम ड्रग्स निकाल रहे होते हैं बॉडी से, तो उस टाइम पे उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बिल्कुल डैमेज होता है, उनको नहीं पता होता है। बहुत सारे बच्चों ने भागने की कोशिश की, बहुत सारों ने स्टाफ को अब्यूज किया, बहुत सारों ने खुद को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, तो इट्स अ ह्यूज चैलेंज। डिटॉक्स के बाद जब बच्चे चले जाते हैं अपने दूसरे रूम्स में, उनके पास टीवी भी होता है, उनके पास काउंसलर भी होती है, बाकी सारी चीजें होती है, दे आर कमिंग इन अ नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस है, जैसे आप कैंसर के लिए घर पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वैसे भी एक ड्रग्स में जो इस चीज का शिकार होगा उसका घर में आप ट्रीटमेंट करना बहुत नहीं है। बिल्कुल बजा कहना है आपका, मेरा भी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक दफा एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना हुआ तो मैंने वहां पर अलग ही मंजर देखा। मैंने देखा कि जो नौजवान है वो चाहते हैं कि हम इससे निकलें, वो चाहते हैं कि हम ये लत जो है हम इससे पीछा छुड़ाए, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि इससे पीछा छुड़ाएं तो कैसे, करें तो क्या करें। तो उससे डॉक्टर ने ये सवाल पूछा कि कितना वक्त हुआ, तो उसने बताया कि 3-4 साल हुए, तो उसके बाद बोला कि एक महीने में कितना लेते हो, बताया 9 लाख का। तो मैं तो मेरे सोच से बाहर, महंगा भी है तो अगर इंसान 10 ग्राम कर रहा है और उसकी जितनी कैपेसिटी, हर बच्चे की अलग कैपेसिटी होती है, किसी के लिए 5 ग्राम भी बहुत ज्यादा होता है, किसी के लिए 10 ग्राम, तो ये एक डिस्कशन तो खत्म नहीं हो जाएगी और इस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में फिर से दावत देंगे और तफसीलन इस ताल्लुक से बात करेंगे। और नाजिन मोहतरम, ये जो वबा की तरह फैल रहा है, ये मनुष्यात की लत में हमारे जो नौजवान पढ़ रहे हैं,
यकीनन हम सबको इस और अपनी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है और यही सही वक्त है इस पर गौर व फिक्र करने का और साथ ही अपने नौजवानों को इस लत से निकालने का। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप आज भी हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें, इसी तरह से हमारा साथ रोज प्रोग्राम में देते रहें। 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है, 8 से लेकर 9 बजे तक आप तक अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो पहुंचता है। फिलहाल दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का पसंदीदा मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग जे एन के।